जिनके चरणन ध्यान को लोचे मुनि जन वृंद, तपो भूमि में विराज रहे पूर्ण सचिदानंद, सचिदानंद पूर्ण धनी सहज अद्वैतानंद, महिमा कह विधि गा सके दासन दास मति मंद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। तो गुरुमुखो, हम कितने भाग्यशाली हैं कि आज फिर से श्री परमहंस दयाल जी ने हमें अपने पावन श्री चरणों में बिठाया है। महाराजाधिराज योगी राज जिनके दर्शन ध्यान को ऋषि मुनि भी तरसते हैं, इतनी तपस्या करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि उनको महाप्रभु के दर्शन हो जाएं। ऐसे महाराजाधिराज त्रिलोकीनाथ शहंशाह श्री गुरु महाराज जी बाँह पकड़कर इतनी माया, इतनी नेगेटिविटी इतने कलयुग में भी हमसे भक्ति करवा रहे हैं। इन घड़ियों के लिए हम सतगुरु का जितना भी शुक्राना करें वो कम है। श्री परमहंस दयाल जी ने अपने जीवन काल में 7 साधु महात्मा बनाए, सप्त ऋषि जिनको हम कहते हैं। उनमें से एक बाई जी महाराज जी योगानंद जी महाराज, जिनको हम बाई योगानंद जी के नाम से जानते हैं। श्री परमहंस दयाल जी के हृदय के इतने करीब थे बाई योगानंद जी कि उनको अपने जिगर के टुकड़े कह के वो पुकारते थे। 23 जून 1891 माड़ी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ और 12 मई 1956 को ये परमहंस दयाल जी के चरणों में धुरधाम में अपने निज घर वापस चले गए। एक समय की बात थी, जयपुर में ही यहीं जहां अभी हम बैठे हैं इसी तपोभूमि अद्वैत धाम श्री लाल डूंगरी दरबार में सत्संग चल रहा था और बाहर जब लंगर प्रसाद बांटा गया तो अचानक से वर्षा होने लगी। सब बहुत ही घबराए कि अब क्या होगा। भाई योगानंद जी महाराज गुफा ध्यान कक्ष में से बाहर निकले और उन्होंने आकाश की तरफ, इंद्र देवता की तरफ पलकें उठा के देखा, परमहंस दयाल जी का नाम जाप किया और देखते ही देखते सारे काले बादल छट गए, वर्षा एकदम से रुक गई। पूरी जयपुर में बारिश हो रही थी लेकिन लाल डूंगरी दरबार श्री अद्वैत धाम तपोभूमि में मानो किसी ने बहुत बड़ा छाता खोल दिया हो। तो इतनी शक्तियों के मालिक थे योगानंद जी महाराज। जब भी कोई उनसे पूछता कि आपके यहाँ कौन सी पातशाही चल रही है तो वो हमेशा यही बोलते कि हमारे यहाँ तो अभी पहली पातशाही हजूर महाराज जी परमहंस दयाल जी ही चल रहे हैं, क्योंकि वो अपने हर कार्य में, हर सेवा में परमहंस दयाल जी को शामिल करते थे। साक्षात हाजिर नाजिर मानकर उनका अनुभव करते हुए एक एक पल उन्होंने अपने जीवन का जिया। योग आनंद, योग में ही आनंद है। तो गुरुमुखो, नाम ही इतना खूबसूरत है कि आज का समय भी तो योग करने का ही तो है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन का योग हो दयाल जी से, आपके तन का योग हो और आपकी आत्मा का योग हो परमात्मा से, तो बाई योगानंद महाराज जी के श्री चरणों में आज हम दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर ये विनय करते हैं कि जिस तरह से उनका योग हुआ गुरुमा जी से, परमहंस दयाल जी से, ऐसे ही हर पल हर श्वास हमारा भी योग हो, मिलन हो परमहंस दयाल जी से। योग का मतलब क्या है? यूनियन। और ये योग कब होगा? जब हम साधना करेंगे, ध्यान करेंगे। कहते हैं ना कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं,
किस विद आए हाथ कह कबीर ये तब मिले जब भेदी लीजै साथ। एक बार की बात है कि एक भक्तानी थी राबिया, काफी बुजुर्ग हो गई थी। शाम का समय था, अंधेरा हो गया था, तो अपने घर के बाहर किसी चीज को ढूंढ रही थी। जब लोगों ने देखा कि बुजुर्ग माता है तो हम भी इसकी मदद करें, वो भी उसकी मदद करने लग गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा कि माता तुम क्या ढूंढती हो, हमें बताओ तो सही। बोली मैं सुई ढूंढ रही हूं। बोले कहाँ गिरी थी? बोले मेरी सुई तो अंदर गिरी थी। तो लोग बोले कि हमें पता था, पागल तो तू है ही, आज हमने देख भी लिया, सुई तेरी अंदर गुमी है और उसको ढूंढ तू बाहर रही है। तो लोग हंसने लगे, तो ये देख के राबिया भी हंसने लगी। तो लोगों ने पूछा हम तो हंसते हैं कि तू पागल है, तुम क्यों हंस रही हो? तो राबिया बोली कि तुम मुझ पे हंसते हो लेकिन मैं तुम पे हंसती हूँ, क्योंकि तुम भी तो अपने सुख को, शांति को, आनंद को, सुकून को कहाँ ढूंढते हो? बाहर। लेकिन वो सुकून, वो आराम, परमानंद, परमहंस दयाल जी कहाँ हैं? बाहर नहीं है, वो अंदर है। और वो हमें कब मिलेंगे? जब हमारा योग होगा, और योग में ही आनंद है। इसलिए आज हम भाई योगानंद जी के चरणों में बैठकर ये प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि योग में ही आनंद है, तो हमारा भी योग हो जाए अद्वैतानंद जी से, सच्चिदानंद भगवान जी से, ताकि हमारा भी जीवन परमानंद में बीते। परमहंस दयाल जी ने अपने कर कमलों से बाई जी को एक चोला पहनाया, और सारी उम्र बाई जी ने वही एक ही चोला पहना। कभी वो चोला फट जाता था तो वो उसको फिर से सील लेते थे, लेकिन सारी उम्र बाई जी ने एक ही चोला पहना। एक समय की बात है कि श्री परमहंस दयाल जी तपोभूमि में विराजमान थे, सेवा का कार्य चल रहा था, सब अपनी अपनी सेवा में लगे हुए थे। लेकिन बाई जी जो भी सेवा करने लगते, कोई ना कोई आके ले लेता था। तो महाराज जी योगानंद जी को कोई सेवा मिल ही नहीं रही थी, तो उन्होंने क्या किया, वो चुपचाप बाहर गए और उन्होंने लोगों के जूते चप्पल साफ करके उनको लाइन में लगाना शुरू कर दिया। तो किसी ने जाके दयाल जी को विनती की कि महाप्रभु जी, योगानंद महाराज जी तो बाहर ये सेवा कर रहे हैं। तो परमहंस दयाल जी अपने सिंहासन से उठे और जाकर योगानंद महाराज जी को अपने गले से लगा लिया और वचन फरमाए कि तभी तो ये हमें इतने प्यारे हैं, हमारे दिल के इतने नजदीक हैं। तो गुरुमुखो, भक्ति की मिसाल, साधना की मिसाल भाई योगानंद जी महाराज। योगानंद जी को हठा योगा सिखाने के लिए स्पेशली परमहंस दयाल जी ने हठा योगा जो आचार्य होते हैं, टीचर, उनको अपॉइंट किया, श्री कालका प्रसाद जी को। और रोज योगानंद महाराज जी हठा योगा का अभ्यास करते थे। कितने भाग्यशाली हैं हम कि आज के समय में भी परमहंसों की सूक्ष्म शक्तियों को सूक्ष्म रूप में आज हम अनुभव कर सकते हैं। तो आज इस पावन त्योहार पर हम परमहंस दयाल जी के पावन चरणों में और योगानंद जी महाराज जी के पावन चरणों में दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर यही विनय करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने अपना जन्म सफल किया, एक एक श्वास, एक एक पल उन्होंने गुरु सेवा में लगा दिया, उसी प्रकार हमारा भी एक एक श्वास सफल हो। क्योंकि इसीलिए तो महापुरुष इस दुनिया में आते हैं, वो हमें जगाने आते हैं, एक अलार्म की तरह होते हैं जो सोए हुए रूहों को जगाते हैं, निज धाम, असली घर वापस ले जाते हैं। तो गुरुमुखो, हमारा भी यही फर्ज बनता है कि योगानंद जी महाराज की तरह हम भी योग करें, साधना करें, ध्यान करें और आनंद में लीन हो जाएं, क्योंकि योग में ही आनंद है। और ये योग अपनी आत्मा का, परमात्मा से योग, यूनियन करने का समय है। तो गुरु महाराज जी कृपा करें, हम सुबह शाम एक एक घंटा ध्यान साधना करें। अभी हम 10 मिनट ध्यान करेंगे। सभी गुरुमुख अपनी कमर सीधी कर लें। कमर सीधी हो और आंखें बंद,
दोनों हाथ घुटनों पर, भगत जी ऑडियो चला दें। इस ऑडियो के साथ साथ हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे, अपनी आत्मा को परमात्मा से योग में स्थित करने का अभ्यास करेंगे।